अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। योर यकीन के साथ मैं हुसैना बुच्चा। इलेक्शन शेड्यूल के आते ही बैरून मुल्क मुकीम सियासतदानों ने वापसी का फ्लाइट शेड्यूल तय कर लिया है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की आमद 24 मार्च को मुतवक्के है, जबकि जिला वतनी इख्तियार करने वाले बलोच रहनुमा सरदार अख्तर मेंगल 25 मार्च को वापस आ रहे हैं। तय तो आज बलोचिस्तान में निगरा वजीर आला को भी कर लिया गया है, अगर नहीं तय हुआ तो निगरा वजीर आजम और पंजाब के वजीर आला का नाम। पार्लियामानी कमेटी का दूसरा दौर आज बिला नतीजा खत्म हुआ, लेकिन इस यकीन के साथ कि कल एक नाम पर इत्तफाक हो सकता है। लेकिन यह इत्तफाक इत्तफाकन ही हो तो हो, दोनों पार्टियों के मूड और रहनुमाओं के लहजे से तो ऐसा लगता नहीं है, और लहजे तो लाहौर में भी यही बता रहे हैं कि शायद वहां पर भी यह मामला कमेटी ही के पास जाएगा। मगर अभी बात करते हैं सबसे पहले आज पार्लियामानी कमेटी के इजलास में शरीक सरदार याकूब नासिर से। सरदार साहब बहुत शुक्रिया, और आपके साथ मौजूद हैं हमारे साथ नजर मोहम्मद गोंदल साहब, रहे सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सरदार साहब, सबसे पहले तो आप बता दीजिएगा कि यकीन रखें, उम्मीद करें कि कल एक नाम पर इत्तफाक हो जाएगा या ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया सना। वाकई हम आज दूसरे दिन से लगे हुए हैं इस अहम मामले में, डिस्कशन हो रही है, और आज भी हम 11 बजे बैठे और 3:30 बजे हम उठे हैं, और तकरीबन तफसीलन तक हर मेंबर के जो उनकी हिस्ट्री है या उनकी जो किरदार है और जो हमने क्राइटेरिया मुकर्रर किया है उसके मुताबिक उस पर सोच विचार हुआ है, और बड़े अच्छे माहौल में हमारी हमारी बहस मुबाहिसा जो है बड़े अच्छे माहौल में हुई है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह कल हमने दो सेशन रखे हैं, एक जुमे नमाज से पहले और एक जुमे नमाज के बाद। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे, क्योंकि हमारी इज्जत इसी में है। हम पार्लियामानी पार्टी जो है, अगर हम ये फैसला कर लें तो हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है, बड़ी इज्जत की बात है। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह कल रिजल्ट निकल आएगा कोई ना कोई। ओके, गोंदल साहब, ये बताइएगा कि कमर जमान कायरा साहब का बयान है और उन्होंने कहा है कि अगर नासिर असलम जाहिद साहब का नाम इलेक्शन कमीशन फाइनल कर दे तो फिर दीगर ऑप्शंस पर गौर करना पड़ेगा, तो क्या ये नाम अगर इस पार्लियामानी कमेटी में नामजद हो जाए तो फिर इस पर कोई रिएक्शन आने की उम्मीद तो नहीं होगी? बहुत शुक्रिया, बड़े अरसे के बाद आपके प्रोग्राम में आज आने का मौका मिला। तो मैं यकीन से कहूंगा कि ये जो कमेटीज हैं दोनों तरफ से बड़े क्रेडिबल लोग हैं, बड़े सेंसिबल लोग हैं, सियासी लोग हैं, यकीनन ये अपने तई बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी मुश्किलात का अंदाज़ा आपको होना चाहिए। एक तो इन्होंने क्राइटेरिया यकीनन जो लेट डाउन किया, जो हम अखबारात में या आपके चैनल वगैरह में देखते हैं कि बंदे की न्यूट्रलिटी बियॉन्ड एनी डाउट होनी चाहिए, इम्पार्शलिटी होनी चाहिए, इंटेग्रिटी वाइज बंदे को अपराइट होना चाहिए। इसी तरह किसी भी नामजद या ये जो नाम्स हैं उसकी होस्टाइलिटी किसी भी जमात के साथ नहीं होनी चाहिए। जो नासिर असलम जैद की बात कर रहे हैं वो एक रेफरेंस के हवाले से कैरा साहब ने जो बात की है, यकीनन उसकी अभी तक तरदीद नहीं है और वो यकीनन एक हकीकत और फैक्ट सी बात है। लेकिन मुझे थोड़ा सा यकीनन इन दोस्तों के हमदर्दी भी है, और यकीनन मैं ये चारों जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से हैं और पाकिस्तान पीपल पार्टी और उसके अलाइज की तरफ से हैं, इनकी ख्वाहिश है और होगी और होनी चाहिए। उसकी वजह कि सियासतदान अगर किसी मसले को या किसी सोल्यूशन पे नहीं पहुंचते तो मेरा ख्याल में इससे बड़ी और जग अनसाई कोई नहीं हो सकती। हम ही वो लोग हैं जिन्होंने आइन को बनाना है, हम ही वो लोग हैं जो ये अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं, हम ही वो लोग हैं जिन्होंने तमाम अपने मामलात को सोल्यूशन निकालना है, और इलेक्शन कमीशन या कोई कमेटी सियासतदानों की है, अगर ये सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ इनकी बड़ी हिम्मत है। वो हिम्मत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब अभी ये अपना गुफ्तगू हो रही थी और कमेटी को नाम नहीं गए थे तो बहुत सारे न्यूट्रल लोगों के नाम डिस्कस हो रहे थे, इसमें इसहाक डार के हवाले का भी हवाले से बात हुई, रजा रबानी के हवाले से बात हुई, और भी दो चार न्यूट्रल लोगों को ऑप्शन जेरे गौर आए, लेकिन जो ही इन चीज़ों के इन नाम आए उसी शाम को इमिजिएटली ये नाम जो है वो भेज दिए गए, यानी ये सियासतदानों के हाथ बांध दिए गए। किसने बांधे वो भी सियासतदान ही आप समझ रही हैं, और नासिर यकूब यकीन इन बेचारों को भी पता है। दूसरा थोड़ा सा मुझे इस कमेटी पे एक और भी हमदर्दी है, कल मियाँ साहब बहर से तशरीफ लाए, उनका यकीन ये 5 सालों में बड़ा एक रोल है जमहूरीत के हवाले से, उनका एक कोऑपरेशन जमहूरी के हवाले से, तो उनकी भी उनके आते ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का अरेंज किया गया जिसमें उसने कहा कि ये फैसला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। तो इन हालात में अगर ये कमेटी फिर भी कल मैं समझता हूँ किसी नतीजे के पहुँचती है तो इन लोग 8 दोस्तों का बहुत बड़ा कमाल होगा, और मैं इनको यकीनन अप्रिशिएट करूंगा
कि अगर ये किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं, और यकीनन मुझे भी उम्मीद है क्योंकि सियासतदान जो है ये अंधेरे में रोशनी ढूंढने वाले लोग होते हैं, यही हल ढूंढते हैं। आपने देखो सबसे मुश्किल मसला था बलोचिस्तान के हवाले से, हुकूमत टूट चुकी थी, चीफ मिनिस्टर बजेद था, लोग उसके साथ थे, कोई समझ नहीं आ रही थी, यकीनन मेरे जैसे लोग कारकुनों को भी समझ नहीं आ रही थी कि बलोचिस्तान के हवाले से क्या होगा। लेकिन आपने देखा असद जरदारी साहब ने अपनी तमाम चीज़ों को बलाए ताक रखकर सीएम से बात की, अपोजिशन लीडर के हवाले से बात की, तमाम दोस्तों को कहा, और आज वो हमसे वो भी लीड ले गए, उन्होंने अपना चीफ मिनिस्टर नामजद किया है इत्तेफाक राय से, और उसने गालबन ओथ भी ले लिया है। तो इसी पख्तूनख्वा का देख लें, आप सिंध का देख लें, लेकिन जहां एक बेहतर सोल्यूशन होना चाहिए था बड़े सूबे के हवाले से, यहां का मैं समझा लिटरेसी रेट के हवाले से, तो यहां भी यकीनन मामलात सेटल हो जाएंगे पंजाब हो या मरकज, लेकिन इनका इम्तहान है और कड़ा इम्तहान है। मुझे इनसे हमदर्दी है और मेरी दुआ भी है कि हम इंशाल्लाह ताला किसी न किसी नतीजे पे पहुंच जाए। ठीक है, आप हमदर्दी आपके साथ कर रहे हैं नजर मोहम्मद गोंदल साहब, इतना ही मुश्किल काम है सरदार साहब आपका वहां पर बैठकर एक इत्तेफाक पे आना या लोगों को मेरिट या डीमेरिट करना, जो जाहिर है आपने कहा कि बहुत अच्छे माहौल में ये बात होती रही है, लेकिन आप क्या समझते हैं कौन किसको कन्विंस करने में कामयाब हो सकता है? जी हम मैं शुक्रिया अदा करता हूँ गोंदल साहब का कि उनका हमारे साथ हमदर्दी है, उनकी हमारी दुआएं हमारे साथ होनी चाहिए। उनको मालूम है, मुझे भी मालूम है कि सियासत में क्या क्या मजबूरियाँ होती हैं और क्या क्या मुश्किलात होती हैं। ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, ये जो है ना ये मशावरत से सारे काम और सारे फैसले होते हैं और ये वक्त लेते हैं। ये जो ये जो कमेटियाँ बनाई हैं, ये जो तीन मराहल बनाए हैं कि वज़ीर आज़म और लीडर ऑफ द अपोजिशन का मरहला गुजर गया, फिर अभी पार्लिमानी कमेटी का मरहला है, फिर बाद में जो है ना इलेक्शन कमीशन का मरहला है, तो ये भी ये मरहले भी सियासतदानों ने ही तय किए हुए हैं कि ये बातें जो हैं ये ताकि रुकावट ना हो, ताकि डेडलॉक ना हो और ये काम जो है पाए तकमील तब खैर खूबी से पहुँच जाए। तो हम सब पाकिस्तानी हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे हम सियासतदान हैं, चाहे जो भी हैं, अल्लाह करे कि हर एक ये चाहता है कि हमारी उसमें जो है ना जो कमेटी है उसमें ये फैसला हो जाए और हमारे जो हमें ये टास्क मिला है हम इसमें कामयाब हो जाएं। तो अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात न हुई और हम लोग मुत्तफिक न हुए, ये हमारी बदकिस्मती होगी, तो फिर तीसरा मरहला है, वो भी हम सियासतदानों ने वही सिलेक्ट किया है ये तीसरा मरहला, तो वहाँ अगर सही मानों में हल हो जाए भी मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐसा मजायका नहीं है। पहले हम लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। इसी तरह जैसे गोंदल साहब ने बलोचिस्तान का मिसाल दिया, किचड़ी बनी हुई थी वाकई, और पहले कहीं और जो है वो अक्सरियत थी, फिर कुछ दिनों में कहीं और अक्सरियत बन गई और फिर सामने जो है मामला हल हो गए और वज़ीर आला साहब जो है ना वो सामने आ गए। हमें बड़ी खुशी है कि बलूचिस्तान के सूबे में ये मरहला खैर खूबी से तय हुआ और हम भी दुआ करते हैं कि हम भी इस मुश्किल से आसानी से निकल जाएं। सरदार साहब, आप अब इसको मिलीभगत कहेंगे, बलोचिस्तान में जो मामला अफाम व तफीम से हल हो गया इसको तो अब आप मिलीभगत नहीं करार देंगे, क्योंकि सिंध में तो मिलीभगत आपने कहा है कि है नहीं। बलोचिस्तान में मैं तो मिलीभगत इसलिए नहीं कहूंगा कि देखें वहां पे जो अक्सरियत लोग सारे पार्टियां जो ये इकट्ठी हो गई हैं और उन्होंने जो अपोजिशन बना दी है उन्होंने, तो एक कैंडिडेट वो लोग सामने ले आए हैं, तो मेरे ख्याल में ये सियासतदानों की कोशिश थे और उनकी कावशों से ये मामला सामने आ गया है। मेरे ख्याल में इस पर कोई एतराज़ ऐसा खास नहीं होना चाहिए सरदार साहब, क्योंकि दो नाम यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए फाइनल होकर गए, गवर्नर के लिए सॉरी वजीर आला के लिए ऑफ पंजाब, वो भी आज रद्द कर दिए गए हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि राजा रियाज के पास कुछ और नाम है तो वो दें। आपको लगता है कि जिस तरह चौधरी निसार साहब और वजीर आजम साहब एक मुत्तफिका राय पर नहीं पहुंच सके, उस तरह पंजाब में भी यह मामला कमेटी के पास ही जाएगा और हम यही कहेंगे कि ये प्रोसेस है, डेमोक्रेसी है, कोई बात नहीं, इस रास्ते से भी चले जाते हैं? दो लोग आपस में इतफाक नहीं कर सकते, आठ लोग इतफाक कर सकते हैं, ये कैसे मुमकिन है? दो लाख लोग इत्तफाक नहीं कर सकते तो आठ लोग तो और ज़्यादा मशावरत हो जाती है ना,
दो आठ लोगों में तो ज़्यादा मशावरत हो जाती है, और हर बात को देखिए हम लोग तो दो दिनों से लगे हुए हैं, और हर उस मेंबर का, हर उस कैंडिडेट का, हम उनके जो किरदार है, जो उन्होंने एक वक्त की जिम्मेदारियां संभाली हैं, और उसकी जो हमने कोई पांच उन्होंने क्राइटेरिया में पांच पॉइंट्स रखे हुए हैं, उस पर हम सारा सब कुछ इनको देखते हैं कि इस जज ने जो है कहीं पीसीओ के तहत तो हल्फ नहीं लिया। अभी आज मुखालिफत से असलम जायद नासर असलम से भी ये इतराज़ आया कि वो जो है उसने पीसीओ के तहत हल्फ लिया है, तो हमें तो ये मालूम नहीं था, मगर हम जब बाहर आए हमें मालूम किया, ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है, उन्होंने कोई 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 उसने इस पे हल्फ नहीं लिया। तो इसी तरह हमारे खोसा साहब हैं बलूचिस्तान के जो हैं, हज़ार खान खोसा साहब, वो भी जज रहे हैं बलूचिस्तान के, बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, तो उनके भी काफ़ी सारी ऐसी बातें जैसे डिस्कशन आई जो अब इस वक्त टीवी पे हम ये लोग ये बातें तो जो अंदर की बातें हैं, जो इन कैमरा हम लोग बातें की हैं, वो तो इस पे नहीं आ सकती, मगर हमारी कोशिश है इंशाल्लाह इस बहस मुबाइस से ज़रूर कोई अच्छी सी अच्छी रिजल्ट जो है निकल आएगी इंशाल्लाह। नहीं, लेकिन अगर ये आज ये मामला आपने खुद कहा कि आया कि उन्होंने पीसीओ के तहत हलफ लिया है, तो इसके ऊपर जाहिर है आपने आके बाहर पता लगाया और ये मामला ठीक नहीं था, तो ये कल जाके इन्फॉर्मेशन दोबारा दी जाएगी, फिर दोबारा से बहस का आगाज होगा, क्या यही प्रोसीजर होता है? नहीं, इतना लंबा सा लंबी बात तो नहीं है ना, देखें जी कुछ इसी तरह मैंने तो एक बात बता दी मिसाल के तौर पर, कई बातें हो गई हैं, वो सारी बातें कल आएंगी, सारी बातें कल आएंगी, उस पर दोबारा डिस्कशन होगी और उस पर ज़रूर जो है ना वो ये अंडर डिस्कशन आएंगी और फिर किसी पे एक पे इत्तेफाक होगा इंशाल्लाह। ठीक है, हमने बलोचिस्तान की बात ही कर रहे थे, तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सरदार अख्तर मेंगल साहब। मेंगल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपके वापसी का शेड्यूल भी तय है, 25 तारीख को आप वापस आ रहे हैं, यहाँ पर बलोचिस्तान में निगरान वजीर आला का इंतखाब भी हो गया है, अपोजिशन ने नाम दिया जो कि मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। अख्तर मेंगल साहब, आपको कौन सा यकीन है जो वापस ला रहा है? बीबी यकीन तो कुछ इस तरह का नहीं, ना ही हम इस खुशफहमी में कि मेरे आने से जो है बलोचिस्तान के जमा जो हालात हैं या मामलात हैं वो हल हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो एक जमहूरी पार्टी है और हमने हमेशा जमहूरी अंदाज में अपना नुक्ता नज़र बयान करने की कोशिश की है और जमहूरी अंदाज में जो है अपनी बातों को मुतालबात को आगे ले जाने की कोशिश की है, तो इसलिए इसी मसले पर हमने अपनी सेंट्रल कमेटी का इजलास बुलाया, तो सेंट्रल कमेटी 26 का जो इजलास है उसको अटेंड करके उसमें ये फैसला किया जाएगा कि आया हालात हमें इजाजत दे रहे हैं कि हम इलेक्शन में जाएं या ना जाएं। जहां तक निगरान हुकूमत का ताल्लुक है, निगरान वजीर आला का जो अपोजिशन और हुकूमत ने मिल बैठ के बनाया है, वो फारसी में कहते हैं कि तो मना मुल्ला बुगुश मंतरा काजी, मतलब आप मुझे मुल्ला कहें और मैं आपको काजी, इसी तरीके से ये बनते रहते हैं। नहीं, लेकिन मेंगल साहब, क्योंकि आपने जब पिछली दफा आए थे तो मैं चाहूंगी कि आपकी वो पुरानी बात जो आप ही ने कही थी आप सुने, फिर मैं उसके बाद आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। जी, हमने तो हत्तुल वसा अपनी कोशिश की, हम बलूचिस्तान के लोग मायूसी की उस हद तक पहुंच चुके हैं जो उनको वापस लाना बहुत ही मुश्किल है। कहीं से कोई श्योरिटी, कहीं से कोई गारंटी मेंगल साहब आपको नजर आई है, कहीं से कोई बातचीत हुई है, क्या सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट आपको कुछ दे सकती है इस हवाले से, कोई गारंटीज, कोई श्योरिटीज? क्योंकि आपका एक खत भी हालिया आया है चीफ जस्टिस के नाम, उसमें भी आपने कहा था कि ये जो डेथ स्क्वाड्स हैं ये इलेक्शंस को होने नहीं देंगे, तो ऐसे मामलात में आप क्या समझते हैं, क्या आपकी मीटिंग में डिसीशंस हो सकती हैं? अक्सर साथियों की राय तो ये आ रही है कि हम इलेक्शन में जाएं, अक्सर की कुछ साथियों की राय ये आ रही है कि हालात अभी तक हमें इजाजत नहीं दे रहे। वो हालात जो मैंने सुप्रीम कोर्ट के रूबरू जो बयान किए थे और कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट को जो मैंने खत अरसाल किया था, उसी में मैंने उन्हीं वाकयात, उन्हीं हालात और उनमें इजाफे का जिक्र किया हुआ, उनमें कमी नहीं आई। तो मैं नहीं समझता कि बलूचिस्तान के हालात अब तक ऐसे हैं जहां पर हमें बिलखसूस नेशनलिस्ट जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्हें अपने हक के राय दही अदा करने के लिए इजाजत दी जाए, क्योंकि इस वक्त तक हम जो देख रहे हैं कि कोई भी पॉलिटिकल वर्कर आजादाना तौर पर घर से बाहर नहीं निकल सकता, जबकि वो घर से बाहर ही नहीं निकल सकता तो आजादाना अपनी राय का इस्तेमाल कैसे करेगा? ना ही हमें किसी की श्योरिटी, और शुक्र खुदा ताला के ना उन्होंने हमें अप्रोच किया है, ना ही हमने उनकी जरूरत महसूस की है, ना ही उनकी श्योरिटी की। हमें श्योरिटी है तो अपने दोस्तों की, हमने हमेशा सियासत की है अपने अवाम की ताकत के बलबोते पर, ना ही किसी के इशारे पर,
और ना ही किसी गारंटी, ना ही किसी डील के जरिए। जी नजर मोहम्मद गोंदल साहब, ऐसे हालात नहीं है कि बलोचिस्तान में लोग आजादी से बाहर निकलकर अपना वोट कास्ट कर सकें, इस पर आप मेंगल साहब से कुछ कहना चाहेंगे? कोई गारंटी, कोई श्योरिटी आप देना चाहेंगे? देखो सना, हम हमेशा कहते हैं कि जमहूरियत ही तमाम मामलात का हल है। देख, इनकी सेंट्रल कमेटी ने मीटिंग की और मुझे खुशी हुई है कि उन्होंने फैसला किया कि हमें वापस जाना चाहिए और वहां जाकर हमने इस निज़ाम को, इस सिस्टम के में जमहूरियत में हिस्सा लेना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये खुशाइंद बात है। और जब भी हम बार बार कहते हैं कि सिस्टम को चलना चाहिए, जमहूरियत को मुस्तकम होना चाहिए, तो यही जमहूरियत के सम्राट हैं कि आज अख्तर मैंगल साहब की सेंट्रल कमेटी ने, मुमकिन इनकी राय ये ना हो लेकिन इनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ये फैसला किया है और ये तशरीफ ला रहे हैं, हम इनको वेलकम करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अवाम के पास जाने का ये एक बेहतरीन मौका है और यही जमहूरियत है जिसने मुल्क को बचाना है। इसी जमहूरियत ने अवाम की खुशहाली की बात करनी है। और जहाँ तक तलक पहले एक दो आप चीज़ें, मैं इनको खुश आमदेद कहने के साथ मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो हैं अपने सिस्टम में आए, अपने उस प्रोसेस में आए और जो बेस्ट ऑप्शन लोगों को अवेलेबल हो ताकि लोग अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी राय का इजहार कर सकें, जिसको चाहें उसको इलेक्ट कर सकें। तो मैं ये समझता हूँ ये एक इनका खूबसूरत फैसला है। मैं अगेन सेकेंड टाइम इनको वेलकम करता हूँ। बाकी जहाँ तक तलक एक दो गुफ्तगू होती हैं, मसलन असलम जायद साहब ने पीसीओ के तहत हलफ नहीं उठाया। मेरे ख्याल में मैंने जो कहना साहब की स्टेटमेंट पढ़ी है, बाकी भी करी है, उस हवाले से मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये एक निजाम के FIR के हवाले से, जब आसिफ जरदारी जेल में थे तो उनके खिलाफ एक FIR कटवाई गई थी और वो इनके करीबी अजीज थे, बहुत करीबी भाई थे या कुछ थे। तो इसी तरह इशरत हुसैन को कोई बंदा टच नहीं कर रहा। क्या उनकी क्रेडिबिलिटी कोई डाउटफुल है, उनकी कोई न्यूट्रलिटी पे शक है, उनकी इंटेग्रिटी पे शक है, उनका कोई स्किल में या एक्सपीरियंस में कोई मसला है? मेरे ख्याल में उनको भी डिस्कशन में लाना चाहिए। वो एक क्रेडिबल नाम है और मैं समझता हूँ उनके बारे में कोई जिक्र ना करना भी नाइंसाफ़ी होगी। और यकीनन बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कल इस कमेटी रखेगी अपने सामने, तो मेरे ख्याल में इशरत को भी डिस्कस करना वहाँ ज़रूरी है क्योंकि ये भी एक मेरे क्या इसको कहते हैं इकोनॉमी के मास्टर अपना एक्सपर्ट्स हैं। तो अगर पाकिस्तान को ये इनकी वजह से कोई फायदा हो सके तो कोई हर्ज नहीं है। तो बाकी ठीक है, यहाँ पर मुझे मिली भगत गोंदल साहब यहाँ पर इजाजत दे दीजिए। हाँ, मैं एक मिनट ब्रेक ले लें, गोंदल साहब फिर वापस आते हैं तो याकूब नासिर साहब से भी पूछेंगे कि वो वेलकम करेंगे, नून लीग का क्या रिएक्शन होगा, अख्तर मैंगल साहब वापस आते हैं तो इनकरेज करेंगे इलेक्शंस में हिस्सा लें, किस तरह से साथ दे सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। मैंगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक टू यकीन। हमारे साथ मौजूद है जी सरदार अख्तर मैंगल साहब, नजर मोहम्मद गोंदल साहब और सरदार याकूब नासिर साहब। नासिर साहब, इससे पहले कि मैं कोई और बात आपसे शुरू करूं तो वहीं पर जो बात गोंदल साहब ने की ब्रेक से पहले कि उन्होंने वेलकम किया और उन्होंने कहा यह जमहूरियत ही की खूबसूरती है कि अब सरदार अख्तर मैंगल साहब भी वापस आएंगे और खैर मकदम करते हैं वो इस डिसीशन का कि कम अज़ कम कंसिडर भी किया जा रहा है कि इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, आप क्या कहेंगे? सना देखें, मैं इस मामले में जैसे आजकल बलूचिस्तान के हालात हैं और पाकिस्तान के हालात हैं, उनको ऐसे लीडरान और ऐसे कायदीन की बहुत सख्त ज़रूरत है कि वो आएँ और अपने सूबा बलूचिस्तान और पाकिस्तान में जो हालात हैं उनको स्टेबल होने में अपना एक किरदार अदा करें। मैं सरदार साहब को खुशामदीद कहता हूँ पाकिस्तान में आने की और बलूचिस्तान में आने की। और हमने तो पहले से, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने पहले से, जब सरदार साहब आए थे यहाँ इस्लामाबाद पे तो मियाँ साहब की बहुत लंबी एक मुलाकात हुई थी उनके साथ। फिर कुछ दिनों बाद कुछ तबीयत के नासाजी की वजह से कोई शायद कोई उनको जल्दी जाना पड़ा, मगर वो जाने के लिए तैयार नहीं थे। मगर फिर इस सिलसिले में कि वहाँ पे उनको कोई टेस्ट वगैरह के सिलसिले में वापस जाना पड़ा, अब वो वापस आ रहे हैं, हम उनको खुश आमदीद कहते हैं और हमें बहुत बड़ी खुशी है अल्लाह ताला उनको खैरियत से ले आए और यहाँ पे मैं कहता हूँ इलेक्शन में हिस्सा लें। और पूरा बलूचिस्तान और पूरा पाकिस्तान ये समझ रहा है कि इस वक्त जो हालात हैं, मुल्की हालात हैं और मुख्तलिफ सूबों के जो हालात हैं, उनका हल सिर्फ इलेक्शन है। हर शख्स के ज़बान पे यही बात है। तो सरदार साहब तो एक मुहिब वतन बलूचिस्तानी है और मुहिब वतन पाकिस्तानी है, उनकी सोच ज़रूर यही होगी और ज़रूर इसी सोच से वो वापस आ रहे हैं।
और जैसे गोंदल साहब ने कहा, मुझे तो इलम नहीं था कि उनके सेंट्रल कमेटी ने भी ये फैसला किया है, और इंशाल्लाह मज़ीद भी उनके जो फैसले पार्टी में होंगे वो मुल्क और बलूचिस्तान के इंशाल्लाह हक में होंगे, और इंशाल्लाह मुल्क के हालात को ठीक करने में या एक अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं और करेंगे इंशाल्लाह। और जैसा कि सना आपको मालूम है कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो है वो कोशिश कर रहे हैं और बड़ी अच्छी कोशिश कर रहे हैं, बलूचिस्तान में जितनी भी कौम परस्त पार्टियाँ हैं या सिंध में जितनी कौम परस्त पार्टियाँ हैं, चाहे उनकी तारीख जो भी रही है, मगर कोशिश ये हो रही है कि उनको स्ट्रीम लाइन में लाया जाए और उनको जो है जो नेशनल पार्टीज़ हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलाने की कोशिश की जाए, ताकि हर शख्स अपनी जगह पर इस मुल्क के लिए कुछ ना कुछ किरदार अदा करें। इसके बगैर अकेले अकेले ये हालात हम ठीक नहीं कर सकते। इस वक्त भी हमसे रास्ता गुम है, हम हैरान हैं कि हम क्या करें। हमने सिर्फ अभी इलेक्शन का ही आसरा लिया हुआ है, अल्लाह का आसरा है और इलेक्शन का आसरा है। तो ये इलेक्शन अगर हम सब मिलकर कामयाबी से हम करेंगे, उम्मीद है कि इंशाल्लाह हालात पाकिस्तान के ठीक होंगे इंशाल्लाह। जी मैंगल साहब, आपको दो बड़ी पार्टीज के रहनुमा हैं, दोनों ही वेलकम कर रहे हैं, दोनों ही इंकरेज भी कर रहे हैं कि आप वापस आएं और अपना रोल अदा करें इस मुल्क के बलोचिस्तान के हालात बेहतर करने में। आप क्या समझते हैं, क्या फैसला कर सकती है आपकी पार्टी इवेंचुअली? सना अगर मुझे थोड़ा वक्त दें तो मैं तफसीलन इस मसले पे बात करूं। जी बिल्कुल। तक इन दोनों रहनुमाओं का ताल्लुक है बड़ी नवाजिश उनकी, जो उन्होंने हमें वेलकम किया, बिलखसूस नजर मोहम्मद गोंदल साहब, जो मेरे ख्याल में अब वो वजीर नहीं रहे, कुछ अर्से पहले वो एक आला ओहदे पे भी फायज थे, जिन्होंने उस जमहूरियत की बात की है उस मुल्क में। जमहूरियत कम से कम हमें तो ये समझाया जाए कि इस पांच साल दौर में जो उस मुल्क में जमहूरियत आई, उस जमहूरियत का कितना हिस्सा बलूचिस्तान को जो दिया गया है। मैं उनके उन वफाकी वज़राओं से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने उस जमहूरियत के खैरात को बलूचिस्तान के किन जिलों में जाके उसको तकसीम किया, कमें मुझे उस बलूचिस्तान के जिलों का नाम तो बताएं, कम से कम उन्होंने कितने उन जिलों का दौरा किया। जहां तक मेरे आने का ताल्लुक है सनम, ये कतन मैं इस बात पे अभी तक वो नहीं कर रहा हूँ कि मेरे आने से जो है मैं इलेक्शन में हिस्सा लूंगा। आपको याद होगा कि 2008 के इलेक्शन में हमारी पार्टी ने इलेक्शन में जाने का फैसला किया और उसमें हमने नॉमिनेशन पेपर तक भराए, लेकिन जब हमारे साथियों ने हालात का जायजा लिया और इस नतीजे पे पहुंचे कि वो हालात जो है इंतखाबात में जाने के लिए काबिल नहीं, तो हमने उसी दिन जो है इलेक्शन से बायकॉट का ऐलान किया। और उससे पहले 2002 में जब इलेक्शन हुए थे, हमारे मेंबरान कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली और सेनेट में भी मुंतखब होके आए थे। जब बलूचिस्तान के हालात को उस नहज पर पहुंचाया गया तो हमने एहतजाजन उन असेंबलियों से इस्तीफा दिया है। आज भी मेरे आने का मतलब कतन ये नहीं कि मैं यहाँ से जो है इलेक्शन का फैसला करके आ रहा हूँ, वो फैसला भी हमारी सेंट्रल कमेटी उन हालात का जायजा लेकर फिर करेगी कि, और वो खुद ही वो लोग हजरात बता सकते हैं कि क्या आज बलूचिस्तान के हालात इस तरह के हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट के सामने डीआईजी सीआईडी ये बयान देता है कि मिसिंग पर्संस को अगवा करने में यहां के फौजी अफसरान शामिल है, जिनकी बाकायदा रैंक्स तक उसने बता दिए, तो वो जमहूरी हुकूमत उन फौजियों के सामने क्यों बेबस थी? तो उस दौर को क्यों बदनाम करके जमहूरियत का नाम बदनाम कर रहे हैं? मैंगल साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बैड गवर्नेंस की अगर आप बात कर रहे हैं या जमहूरियत आप कह रहे हैं कि नाम निहाद है, लेकिन यही जमहूरियत है, यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसके दौर में आपके खिलाफ जो केसेस बनाए गए थे मुशर्रफ दौर में, उनको खत्म किया गया, तो इसका तो क्रेडिट आप थोड़ा सा देंगे इनको, या मतलब आहिस्ता आहिस्ता ही करके चीजें बेहतर होती है ना मैंगल साहब? नहीं सना जी, बिल्कुल मैं उनका क्रेडिट दूंगा, लेकिन उससे पहले तो मुझे एक और क्रेडिट देना पड़ेगा जियाउलक को, जो जुल्फकार अली भुट्टो ने मेरे वालिद मीर गौसवस बिजंजो नवाब मरी को जो पांच साल हैदराबाद ट्रिब्यूनल केस के तहत उसको उनको बंद करके रखा था, तो इसका मतलब है मैं आके उस डिक्टेटरशिप डिक्टेटर के कब्र पे दो नफल भी पढूं इस्लामाबाद में? नहीं मैंगल साहब, बात को इधर से आप उधर जोड़ रहे हैं, लेकिन ठीक है, आपके अंदर गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन कहीं पे तो आप क्रेडिट देंगे, कहीं तो आप जमहूरियत को एक्सेप्ट करेंगे। कल भी मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि पांच साल सब्र का ही नतीजा है कि अब इलेक्शंस हैं और अल्लाह का आसरा, जिस तरह से सरदार याकूब साहब ने भी कहा कि अब हर पार्टी को हर रहनुमा को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, हालात इस तरह तो बेहतर नहीं होंगे ना मैंगल साहब? मुझे भी चलो मैं दे देता हूँ उनको जी, जो मसूदा लाशें हैं उनका जिम्मेदार कौन होगा, उसका क्रेडिट मैं किसको दूँ?
इस दौर में, जमहूरी दौर में। जी गोंदल साहब, इसका क्रेडिट किसको दें? इन्होंने में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया और इत्तेफाक से इन्होंने ऐसे बंदे से सवाल कर दिया जिसके पास मैं, इन्होंने पूछा है कि कितनी दफा बलूचिस्तान में गए हैं और कौन कौन से जिले का दौरा किया है। मैं इनकी इतला की रेज कर दूं कि मैं मिनिस्टर फूड एंड एग्रीकल्चर था, तो मैंने लसबेला में गया, वहां से बाई रोड में ग्वादर गया, वहां से बाई रोड में केच गया, वहां से बाई रोड में क्वेटा तक, ये तमाम एरिया को मैंने खुद विजिट किया। जहां जहां एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट थे उनको देखा, लोगों को मिला, पार्टी कारकुनों को मिला और बाई रोड गया क्वेटा तक। और वहां एक फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था जो मैंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हवाले किया, एक सेरेमनी की। इनका पहले सवाल का जवाब तो मेरे ख्याल में यही काफी है। दूसरी जो बात इन्होंने, यकीनन मैं इनको, ये वक्त अब तलखियों का नहीं है और तलखियों को बुलाना पड़ेगा। तो अगर ये जुल्फिकार अली भुट्टो की इस बात पे बात और ज़ियाउल हक के हवाले से जो कंपैरिजन कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में ज़ियाउल हक का जो बहुत अजीम एक साथी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है, अगर उनसे इस जमहूरियत के हवाले से, मुल्क के काज के हवाले से इनका कंप्रोमाइज हो सकता है, तो तमाम जमहूरी फोर्सेज के साथ इनका कंप्रोमाइज होना चाहिए। तो इसी हुकूमत ने, इसी पीपल पार्टी की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने बहुत बड़े इश्यूज थे, नेशनल अपना प्रोविंशियल अटॉनमी के हवाले से, एनएफसी अवार्ड के हवाले से, और वो सारे हल किए और तमाम रिसोर्सेज को सूबों के हवाले किया। अब जहां तक तल्लक उनकी अपनी है कि किन के हवाले किया, यकीन वो बलोच लीडर थे, इलेक्टेड लोग थे, गलत थे या ठीक है इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, एक प्रोविंशियल असेंबली थी, वहां का चीफ मिनिस्टर था और सारे दोस्त थे जिनके हवाले किया। उन्होंने अगर इनके हिसाब से प्रॉफिट डिलीवर नहीं किया तो मैं, बल्कि कल ही बयान पढ़ रहा था रईसानी साहब का कि हमारा एक एनालाइज किया जाए कि हमने क्या किया आवाम के लिए। बार ये एक लंबा एक इश्यू है, लेकिन इस मौके पे यकीनन मैं इन तमाम, ये तमाम चीज़ों मुल्क मुतहमल नहीं हो सकता, बड़ी मुश्किल से, बड़ी कुर्बानियों के बाद, जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानी आज तक पाकिस्तान पीपल पार्टी के कारकुनों को पर्टिकुलरली और पाकिस्तान के अवाम को आज तक नहीं भूलती। तो ये सारी वो सेक्रीफाइसेस हमने खुदा खास इसलिए नहीं की कि हम अपनी इन तलखियों को बढ़ाते जाएं और हम अपने मुल्क की खुशहाली को और इसको एक राइट पाथ पे चलने में कोई अपना रोल अदा न करें। तो मैं यकीनन बड़े अदब से अर्ज करूंगा, अख्तर मैगर साहब हूं या कोई वो फोर्सेस जो इस वक्त, यकीनन अगर उनको कोई तलखी है तो ये एक दुनिया में इस किस्म के वाकयात को भुलाना पड़ता है। अगर इनके साथ मुशर्रफ दौर में कोई तलखियां हुई हैं तो यस, हमें, मेरा ख्याल में प्रेसिडेंट साहब ने यही कहा था कि आई एम सॉरी फॉर दैट, उन्होंने माफी मांगी थी बलोच रहनुमाओं से। तो इसका तर्जमा ये हमने कोई गलती की है, लेकिन ये टाइम ऐसा है, मैं सना ये नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसी तलख बात करूं। मैं तो कहता हूं कि ये एक इस वक्त टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान की जमहूरियत का, फर्स्ट टाइम 5 साल के बाद एक स्मूथ ट्रांजिशन हो रही है, एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट से पॉलिटिकल गवर्नमेंट की तरफ हम जा रहे हैं, और वो सेटअप के तहत जिसपे किसी को कोई इतराज नहीं, जो एक बदकिस्मती रही है हमारे मुल्क में, हर इलेक्शन को रिग्ड इलेक्शन कहा गया, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, और ये पॉलिटिशियन ने किया है, ये जमहूरियत ने किया, अमेंडमेंट्स कौन लेकर आया, यकीनन यही मौजूदा सिस्टम और पार्लियामेंट लेकर आई है। तो मैं समझता हूं कि बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ किया है, हम चाहते हैं कि ये सारे दोस्त इस प्रोसेस में आए और इस मुल्क के लिए बेहतर से बेहतर फैसले करें, मुशावरत से करें, एक फोरम पे करें। तो यकीनन और हमेशा गुंजाइश होती है, इंप्रूवमेंट की हमेशा गुंजाइश होती है, और जो गुंजाइश बाकी है जो हम नहीं कर सके, सपोज वो हम नहीं कर सके, तो हमें मिलकर करना चाहिए। हम तो इसलिए कहते हैं कि ये तमाम फोर्सेज तशरीफ लाएं और अपना रोल अदा करें। अगेन मैं उसको रिपीट कर रहा हूं और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि बेहतर ये हालात बेहतरी की तरफ चलेंगे। ठीक है मैंगल साहब, क्योंकि मुशर्रफ साहब की एक दिन पहले आपसे वापसी एक्सपेक्टेड है, आप भी वापस आ रहे हैं, तो क्या ये कोई ज्वाइंट स्ट्रैटेजी बना सकते हैं आप और नून लीग मुशर्रफ साहब के खिलाफ कोई केसेस ओपन कर सकते हैं क्या? आप क्या, नाउ इज द टाइम टू फाइट बैक या नहीं? सना अगर हम केसेस के उसमें पड़ गए तो ये होगा कि हमारी सुनवाई कहाँ होगी, और आज दिन तक बलूचिस्तान के लोगों को जो 1948 से लेकर आज दिन तक जो ज्यादतियां हुए जिसमें बेशुमार लोग मारे गए हैं, नवाब अकबर खान से लेकर नवाब नौरोज खान तक, वो सब लोग जो है बलूचिस्तान में शहीद, और कई हजार जो है नौजवान वहां पर शहीद हो गए हैं, तो उनमें से मुझे नहीं लगता किसी एक को, और बिलखसूस जिसने वर्दी पहनी हुई हो,
थी या हो उस पर तो इस मुल्क में आज तक जिन कुवतों को आइन तोड़ने के लिए सजा नहीं दी जाती तो बलोच बेचारा किस खाते की खेत की मूली है जो उसके कत्ल में किसी जनरल को या किसी फौजी को जो है सजा दी जाएगी। ये एक वो खाम ख्याल है जिसमें हम मेरे ख्याल में अपना वक्त जाया ना करें। जहां तक गोंदल साहब ने एक और बात की है कि हम सब कुछ बुला दें, कैसे बुला दें? किसी माँ से पूछे कि वो अपने बेटे को बुला लेगी? किसी बाप से पूछे कि उसकी बेटा जो 3 सालों से गायब है उसको बुला सकता है गोंदल साहब? और इसी तरह आपको याद होगा कि जमहूरियत के लिए हम सब कुछ बुला दें, 73 का जब आइन बन रहा था तो हमारे अकाबरीन को यही कहा गया था कि जी मुल्क दोलख हो गया है, अब आके एक नया आइन और नए पाकिस्तान की जो है बुनियाद रखें। और हमारे अकाबरीन ने सब चीज बुला के, तमाम वो वाकयात को बुला के उस आइन के हिस्सेदार बने। और उसके बाद हमें क्या मिला? कंकरेंट लिस्ट, जो 30 साल के बाद भी वो इस सूरत में हमें मुहैया की गई कि वो पहचान नहीं पा हो पा रही। जी मैंगल साहब, ठीक है, आपके आपके तहफ़ुज़ात अपनी जगह हैं, लेकिन सरदार साहब आप समझते हैं कोई जॉइंट स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है? क्योंकि जाहिर है मामला तो है संगीन, तलखियां हैं, लेकिन आगे चलने के लिए, भुलाने के लिए, लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए चीजें बहुत बदली हैं। याकूब साहब, क्या आप इनको कोई कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि अब एहतसाब होगा सबका? जी ये देखें, ये चीज़ें जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सरदार साहब ने कहा, देखें हमारे और भी बहुत सारे काम हैं, हम सिर्फ जनरल मुशर्रफ साहब के आने का इंतज़ार नहीं कर रहे। वो जो उनका जो उन्होंने जो भी किरदार अदा किया है वो यहाँ पे अदालतें हैं, सब कुछ है, वो होगा अपनी जगह। मगर मैं ये कहता हूँ, गोंदल साहब ने बड़े ऐसे आराम से ये कह दिया कि बहुत ही इस हुकूमत की बड़ी ये अच्छी बात है कि वो ट्रांजेक्शन जो है वो बड़े खैर खूबी से हो रही है। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ दूसरी पार्टियों के भी का भी इमदाद है और इसमें हालात का भी जो है ना काफ़ी तआवुन है इनके साथ। मगर मैं ये कहता हूँ कि बलूचिस्तान के साथ, बलूचिस्तान पे इस 5 सालों में इन्होंने क्या तवज्जो दी है? यानी जितना इन 5 सालों में बलूचिस्तान तबाह बर्बाद हुआ है, जितना वहाँ पर जो है बलूचिस्तान बदनाम हुआ है, वो कभी भी किसी रिजीम में जो है इतना नहीं हुआ। जब हम चीखते हैं, रोते हैं, वो कहते हैं आपके अपने बलोच है, आपके अपने वहाँ पे तो वजीर हैं और अपने वजीर आला। भाई आप लोग क्या कर रहे हैं? फेडरल गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है? आप हम पे उल्टा एहसान करते हैं कि हमने खरबों रुपए दिए, हम पूछते हैं किधर गए खरबों रुपए? और जैसे सरदार साहब ने कहा, देखें ज़िले से दूसरे ज़िले जाना या जो है ना आपने वहाँ पे, आप ये बताएं वहाँ पे, हम भी वहाँ रहते हैं और अपने अपने ज़िलों में इतने इतने पैसे खर्च हुए हैं, कहीं भी ऑन द ग्राउंड। सरदार साहब सॉरी, आपकी बात कटेगी लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक ले लें फिर आपकी बात को कंटिन्यू रखते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू यकीन। हमारे साथ मौजूद है नजर मोहम्मद गोंदल साहब और सरदार याकूब नासिर साहब। मैंगल साहब हमारे साथ मौजूद थे ब्रेक से पहले। याकूब नासिर साहब सॉरी, मैंने आपकी बात काटी थी ब्रेक लेते वक्त, तो अगर आप उसको सिर्फ कंटिन्यू कर लें तो फिर हम आपसे आखिरी सवाल करेंगे। जी जी जी, मैं ये कह रहा था कि ये कोई मुश्किल काम नहीं था, बलूचिस्तान के मसाइल की तरफ अगर ये गवर्नमेंट जो है तवज्जो देती तो आज ये सूरत हाल बलूचिस्तान में नहीं होती। बलूचिस्तान के बहुत मोहब वतन लोग हैं, गरीब लोग हैं, मामूली उनके साथ आप एहसान करें वो ज़िंदगी भर आपका एहसान नहीं बोलेंगे। मगर हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं देगी। देखिए फेडरल गवर्नमेंट ने आते ही जो आगाज़ हकूक बलूचिस्तान का जो उन्होंने ऐलान किया, फिर इस पैकेज का उन्होंने फिर परसू किया कि इस आगाज़ हकूक बलूचिस्तान किधर गया? किसी को इससे फ़ायदा पहुँचा है? और ये कहाँ कहाँ किस किस तक ये पहुँचा है? इतनी नौकरियाँ दी, इतनी मुलाजमतें उसमें अनाउंस हुई और काफ़ी सारा डेवलपमेंट वर्क उसमें अनाउंस हुआ, मगर बलूचिस्तानियों ने कुछ भी नहीं देखा है। ये किसकी जिम्मेदारी है और ये कौन कौन किसको करना चाहिए था? यही सारी बातें हैं ना, ये सारी बातें इकट्ठी होके तो फिर ये चीज़ें बनती है। बलूचिस्तान देखें सिर्फ हमारा नहीं है, गोंदल साहब का भी है, पीपल्स पार्टी का भी है, बलूचिस्तान सबका है। मगर इस तरह जो है हमारे साथ इस किस्म का सलूक अगर ये जारी रखा गया तो हालात मज़ीद ख़राब होंगे। खुदा के लिए इन गरीब सूबों की तरफ, इन छोटे सूबों की तरफ उनको ऐसे नज़र से न देखें, एक हकीर नज़र से नहीं देखना चाहिए, उनको एक बाइज़त नज़र से देखना चाहिए, उनके मसाइल की तरफ देखना चाहिए, उनके मसाइल हल करने चाहिए।
ताकि वो लोग एट पार आ जाए, आपके आपके साथ आपके दोस्त आपके भाई बने। ठीक है सरदार साहब, सॉरी मेरे पास क्योंकि वक्त कम है। गोंदल साहब आखिरी कमेंट, सारी चीजों की तो आप सफाई नहीं पेश कर सकेंगे, लेकिन अगर आप लास्ट कमेंट दे दें जी 30 सेकंड में। नहीं नहीं, मैं बड़े चंद लफ्जों में अपने भाई से ये कहूंगा कि अगर तो डायरेक्ट इंटरफेयर करती है फेडरल गवर्नमेंट तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पे हरफ आता है, और यही सबसे बड़ी रिजर्वेशन है हमारे छोटे सूबों की। हमने आगाजी हकूक बलोचिस्तान किया, जॉब्स दी, रिसोर्सेज को डबल से कहीं ज्यादा दिया, और आपको देखो मिनरल्स में, आपको अपने पानियों में, तमाम को सूबाई हुकूमतों को शेयर दिया। अब जहां तक तलक है, अगर कोई किसी ने डिलीवर नहीं किया तो आपके सामने है कि अब भी गिला जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को के हवाले से हमें मिल रहा है कि आपने सूबों की हुकूमतें तोड़ी। अगर आप अभी हमने बड़ी मुश्किल से गवर्नर आए 2 महीने की लगाया था तो हमने खुशी से नहीं लगाया था, और ये सारी हिस्ट्री जो हम दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते कि मुशर्रफ ने क्या किया, जियाउल्लाह ने क्या किया। हम तो जमहूरी लोग हैं, और ये इस्लाह करना वहां के हुकूमतों का, सूबाई हुकूमतों का काम है। फेडरल ठीक है, इस्लाह होती रहेगी और इस्लाह होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया गौंदल साहब आपका, बहुत शुक्रिया नासिर साहब आपका। सरदार यास नासिर साहब ने यही कहा कि यकीनन कल कोई फैसला पार्लियामानी कमेटी में भी हो जाएगा, इस उम्मीद पर कि फैसला कल हो जाएगा और सियासतदान ही करेंगे, ये मामला इलेक्शन कमीशन तक नहीं जाएगा। हमें दीजिए इजाजत, वापस चलेंगे दुनिया न्यूज की जानिब।